एक बार फिर देश के नाम बदलने के कयासों को मिली हवा। क्या वाकई विशेष सत्र में बदला जाएगा देश का नाम? G20 में प्रधानमंत्री के टेबल पर इंडिया की जगह लिखा गया भारत। एक तरफ G20 का आयोजन भारत में हो रहा है तो दूसरी तरफ G20 के शुरू होते ही देश के नाम को बदलने पर लेकर चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर के निमंत्रण पत्र ने कई सवाल खड़े किए, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और अब जब G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल पर इंडिया की जगह भारत लिखा दिखा गया। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री के टेबल के आगे इंडिया ही लिखा जाता था। चलिए आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। यह पहली तस्वीर है 2022 के G20 की, जहां आयोजन इसका इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहां प्रधानमंत्री के टेबल के आगे इंडिया लिखा है। और अब ये दूसरी तस्वीर अब की है, जहां G20 का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। इस दौरान PM मोदी के टेबल पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया। गौरतलब है कि G20 में इस तरह भारत के नाम का इस्तेमाल शुरू होने के साथ ही उस बहस को भी जोर मिला है, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल शुरू करने वाला है। हालांकि देश के नाम बदलने को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है, तो उसमें इंडिया शब्द को क्यों हटाया जा रहा है। ऐसे में पहले ही सरकार पर विफरी विपक्ष अब G20 में भी भारत के नेमप्लेट को लेकर कैसे अपना स्टैंड को रखेगा और कैसे इन विरोधों के बीच सरकार देश का नाम बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।